नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का अंडा पार्ट थ्री। नहीं भैया, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन मुझे यहाँ उठाकर लाने वाला वह दुष्ट राक्षस मुझसे ज़बरदस्ती शादी अवश्य करना चाहता है। वह मुझे रोज़ यहाँ आकर शादी के लिए धमकाता है। क्या कहा, कोई राक्षस तुम्हें यहाँ लाया है? बहन, जरा जल्दी बताओ मुझे उसके बारे में। कहीं यह दुष्ट राक्षस वही तो ना हो जिसकी मंत्र शक्ति के वश में हमारे दोनों जीजा हैं। तब प्रिया ने रोते रोते सारी आप बीती कह सुनाई। सब कुछ सुनकर वीर कुमार बोला, बहन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हो ना हो यह वही राक्षस है जिसके मंत्र जाल में दोनों बड़े जीजा भी फंसे हुए हैं। मैं उस दुष्ट को मारकर तुम सबको इस मुसीबत से मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें जरा चतुराई से काम लेना होगा। भैया, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ, बोलो मुझे क्या करना होगा। तो सुनो, आज जब वह राक्षस आए तब तुम झूठ मूठ उससे प्रेम का नाटक करना और उससे विवाह करने के लिए हाँ करके यह जानने की कोशिश करना कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। एक बार यदि उसकी मृत्यु का रहस्य मालूम हो जाए तो फिर मैं स्वयं ही उससे निपट लूँगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तभी एकाएक धरती बुरी तरह कांपने लगी, बादलों के गरजने की सी आवाज़ होने लगी। ओ भैया, राक्षस आ रहा है, अब तुम क्या करोगे? बाहर निकलने का भी समय नहीं है, अब तो वह तुम्हें देखते ही मार डालेगा। बहन, तुम मेरी जरा भी चिंता ना करो, जहाँ बैठी थी वहीं जाकर बैठ जाओ, परंतु सावधान, जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। कहकर वीर कुमार ने झट अपनी जेब से मोती निकाला और उसे मुँह में रखकर अदृश्य हो गया। अरे भैया, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए? बहन, मेरी चिंता छोड़ो और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। शीघ्र ही एक राक्षस भयानक अट्टहास लगाता हुआ गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। हा 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 हा, ए मूर्ख लड़की, बता अब भी तेरा दिमाग ठिकाने आया है या नहीं? मुझसे शादी करने को तैयार है या नहीं? जल्दी बोल, वरना आज मैं तुझे मार कर कच्चा खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही पल प्रिया उठी और नाटक करती हुई बोली, तुम कितने अच्छे हो, मैं ही मूर्ख थी जो आज तक तुमसे विवाह के लिए इनकार करती रही। आई, यह मैं क्या देख और सुन रहा हूँ? कान और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम वास्तव में मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मुझे यह बता दो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन यह जानकर तुम क्या करोगी? इसलिए जानना चाहती हूँ कि कहीं तुमसे विवाह करते ही मैं विधवा तो नहीं हो जाऊंगी। सुनकर राक्षस ने अपने बड़े बड़े दांत बाहर निकालकर हंसते हुए कहा, हे 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 हे, मैं समझ गया ए चालाक लड़की, मैं किस तरह मरूंगा यह रहस्य जानकर तू यही सोच रही है ना कि तू उस तरीके से मुझे मारकर मुझसे छुटकारा पा लेगी। लेकिन मूर्ख लड़की, यह काम इतना आसान नहीं। मेरी मृत्यु का रहस्य जानने के बाद भी बड़े बड़े ताकतवर मुझे मौत के घाट नहीं उतार सकते। सुन, इन पहाड़ियों के पीछे विशाल समुद्र है। उस समुद्र के बहुत नीचे बिल्कुल तली में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा है। उस संदूक में एक कबूतरी बैठी है। जब तक कोई उस संदूक को खोलकर उसमें बैठी कबूतरी का अंडा लाकर मेरे सर पर फोड़ नहीं देगा, तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अब बता कि ऐसा महाबली कौन है जो समुद्र की तली में जाकर यह काम कर सके। इसी से तू अंदाज़ा लगा सकती है कि मैं कभी भी नहीं मर सकता। मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी, अब बता कि तू मुझसे कब विवाह कर रही है? आज से तीसरे दिन पूर्णमासी की रात शुभ रहेगी, हम दोनों उसी दिन विवाह कर लेंगे। राक्षस ने तुरंत प्रिया की बात मान ली और प्रसन्नता से अट्टहास लगाता हुआ वहां से लौट गया। हा 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 हा, राक्षस की गुफा से जाते ही वीर कुमार ने मुंह से मोती निकाल लिया और प्रिया के निकट पहुंचकर बोला, बहन, उस राक्षस से 3 दिन का समय मांगकर तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 3 दिनों के भीतर भीतर उसे मार सकूं। मैं ईश्वर से तुम्हारी सफलता की कामना करूंगी भैया। फिर बहन से विदा लेकर वीर कुमार पहाड़ियों के पीछे फैले विशाल समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने मंझले जीजा द्वारा दिए दांत को निकालकर मच्छराज को पुकारने लगा। मच्छराज, मच्छराज, मेरी मदद करो। देखते ही देखते मच्छराज समुद्र से बाहर निकला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। ए वीर युवक,
कौन हो तू और तुम्हें यह दांत कहाँ से मिला? यह दांत तो मैंने एक राजकुमार को दिया था जो मेरा धर्मपुत्र है। यह दांत मुझे उन्हीं राजकुमार ने ही दिया है, मैं उनका साला हूँ मच्छराज, कहकर वीर कुमार ने मच्छराज को सारी बात बता दी। सारी कहानी सुनने के पश्चात मच्छराज ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, तब तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा बेटे, बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो? समुद्र की तरी में एक संदूक है, कृपया आप मुझे वह संदूक ला दीजिए, उस दुष्ट राक्षस की मौत उसी संदूक में है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी जाकर उस संदूक को खोज कर लाता हूँ। उसी के साथ मच्छराज पुनः पानी में समा गया। समुद्र के तल में बने अपने मच्छ देश पहुंचकर मच्छराज ने अपने देश की तमाम मछलियों को क्षण भर में इकट्ठा कर लिया। तुम लोगों में से किसी ने हमारे राज्य में कहीं कोई बड़ा सा लोहे का संदूक देखा है? नहीं महाराज, ऐसा संदूक तो हमने आज तक नहीं देखा। तभी सार्डिन नाम की एक मछली वहां पहुंची, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सार्डिन, तुमने इतनी देर से आकर हमारे आदेश की अवहेलना क्यों की और तुम्हारे सर पर यह पट्टी कैसी बंधी हुई है, जल्दी से जवाब दो। महाराज, आज मैं खेलती खेलती एक ऐसी पहाड़ी स्थान पर निकल गई जहाँ एक लोहे का संदूक रखा था। बेध्यानी में मेरा सर उस संदूक से टकरा गया और मैं घायल हो गई, इसलिए आने में देर हुई है महाराज। क्या सच तुम्हारा सर ऐसे ही किसी संदूक से टकराया है? हाँ महाराज। मच्छराज उसी समय सार्डिन मच्छी और बड़े बड़े कई मच्छों के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ लोहे का संदूक पड़ा था। इस संदूक को उठाओ और मेरे साथ ऊपर किनारे पर चलो। जो आज्ञा महाराज। बड़े बड़े मच्छों ने मिलकर संदूक को उठा दिया और पानी में तैरते हुए किनारे की ओर चल पड़े। शीघ्र ही, लो वीर कुमार, संभालो इस संदूक को और इसे खोल कर देखो कि यह वही संदूक है ना जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। अभी देखता हूँ मच्छराज। वीर कुमार ने संदूक को खोलने के लिए चारों ओर से घुमा कर देखा, लेकिन वह चारों तरफ से बंद था। ना उसमें कोई कुंडा था और ना ही कोई ताला। ओह, यह तो चारों तरफ से बंद है, कैसे खोलूं इसे? तभी वीर कुमार को परी द्वारा दी गई चाबी का ध्यान आया। उसने तुरंत जेब से वह चाबी निकालकर संदूक को छुआई। ऐसा करते ही संदूक तो खुल गया, लेकिन उसके साथ ही उसमें बैठी कबूतरी पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। अरे, पलक झपकने के साथ ही कबूतरी उड़ती हुई उनकी नजरों से ओझल हो गई और इस तरह से उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। कबूतरी तो हाथ से निकल गई वीर कुमार, अब तुम उस राक्षस को कैसे मार पाओगे? अभी एक उपाय और है मेरे पास मच्छराज, कहकर वीर कुमार ने बड़े जीजा द्वारा दिया गया पंख निकाला। और पक्षीराज, पक्षीराज, मेरे पास आओ और मेरी सहायता करो। देखते ही देखते आकाश में सरसराहट हुई और अगले ही पल पक्षीराज वहां आकर उपस्थित हो गया। ए नौजवान, कौन हो तुम और यह पंख तुम्हारे पास कहां से आया? तुरंत जवाब दो, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यह पंख मुझे मेरे जीजा जयवर्धन ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जब मुझे किसी सहायता की आवश्यकता पड़े तो मैं इसके द्वारा आपको सहायता के लिए पुकारूं। कहकर वीर कुमार ने पक्षीराज को शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुना दी। सारी बात जानने के पश्चात पक्षीराज प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, राजकुमार जयवर्धन को मैंने अपना धर्मपुत्र माना है वीर कुमार, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। बोलो क्या चाहते हो? इस लोहे के संदूक में से जो कबूतरी निकलकर उड़ गई, कृपया उसे किसी तरह पकड़कर मुझे ला दीजिए पक्षीराज, क्योंकि उसी के दिए अंडे को उस दुष्ट राक्षस के सिर पर फोड़कर उसे मारा जा सकता है जिसके मंत्र जाल में मेरे जीजा और आपके धर्मपुत्र फंसे हुए बड़ी मुसीबत की जिंदगी जी रहे हैं। चिंता मत करो वीर कुमार, मैं अभी उस कबूतरी को पकड़ मंगवाता हूँ। कहने के साथ ही पक्षीराज ने अपनी भाषा में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ मेरी प्रजा के लोगों, सुनो, तुम सब तुरंत मेरे पास आओ। तुरंत ही सारा आकाश पक्षियों से भर गया। इनमें छोटी सी छोटी चिड़िया से लेकर बड़े से बड़े गरुड़ पक्षी तक सम्मिलित थे। शीघ्र ही सब पक्षीराज के सामने एकत्रित हो गए। जाओ, तुम सब आकाश में फैलकर उस कबूतरी को खोज कर लाओ जो इस संदूक में बंद थी। पक्षीराज के आदेश देने भर की देर थी कि सभी पक्षी आकाश में चारों दिशाओं में उड़ते हुए उस कबूतरी की खोज करने लगे। जल्द ही एक बाज को वह कबूतरी एक दिशा में उड़कर जाती दिखाई दी।
पक्षीराज ने उस कबूतरी का जो हुलिया बताया था उसके अनुसार यह वही कबूतरी मालूम पड़ती है। अभी पकड़ता हूँ उस मूर्ख को। पलक झपकते ही बाज ने उसे धर दबोचा। आह, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगती हूँ। मूर्ख कबूतरी, तुझे छोड़कर मैं अपने प्राण नहीं गंवा सकता। चल पक्षीराज के पास, अब वही तेरी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। बाज ने कबूतरी को पक्षीराज के सामने पेश किया। महाराज, यही है वह कबूतरी जो इस संदूक से उड़कर गई थी और जान बचाने के लिए कहीं दूर निकल जाना चाहती थी। अरे मूर्ख कबूतरी, यदि अपनी जिंदगी की खैरियत चाहती है तो तुरंत अपने स्वामी राक्षस की मौत का अंडा दे दे, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील और गिद्धों को खिला दूंगा। नहीं नहीं, मुझ पर रहम कीजिए महाराज। और भयभीत हो कबूतरी ने तुरंत एक अंडा दे दिया। आहा, बन गया काम, वाह। उसके बाद मच्छराज व पक्षीराज आदि सभी अपने अपने आवासों को लौट गए और वीर कुमार कबूतरी का अंडा लेकर खुशी खुशी पहाड़ियों की दूसरी ओर चल पड़ा। अब उस दुष्ट राक्षस की मौत निश्चित है। अपनी बहन प्रिया के पास पहुंचकर जब वीर कुमार ने कबूतरी का अंडा दिखाने के साथ साथ सफलता की सारी कहानी सुनाई तो प्रिया का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। भैया, तुम तो एक ही दिन में राक्षस की मौत का अंडा ले आए, जबकि उसके आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ, यह 2 दिन हम दोनों यहीं आनंद पूर्वक बिताएंगे। तुम बैठो, मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। वह अंडा अपनी बहन को संभाल कर रखने के लिए देकर वीर कुमार जूतों की मदद से उड़ता हुआ एक शहर में पहुंचा और मोती की सहायता से अदृश्य होकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आया। लो बहन, पेट भर कर खाओ। आहा, आज बहुत दिनों बाद ऐसा खाना देखने को मिला है। ठीक 3रे दिन जैसे ही धरती कांपने लगी और बादलों की गर्जन होने लगी, वीर कुमार शीघ्रता से प्रिया से बोला, दीदी वह राक्षस आ रहा है, तुम्हें ध्यान है ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ भैया, तुम चिंता ना करो, मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुमने कहा है। तब वीर कुमार ने झट अपनी जेब से मोती निकाल कर अपने मुँह में रख लिया और अदृश्य होकर गुफा के एक कोने में खड़ा हो गया। शीघ्र ही राक्षस भी भयानक अट्ठास लगाता हुआ वहां आ पहुंचा। प्रिया, मैं आज वायदे के मुताबिक 3 दिन बाद आया हूं। बोलो, क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ प्रिय, आज रात ही हम दोनों विवाह कर लेंगे। तुम थके हुए हो, आओ कुछ आराम कर लो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। प्रिया की बात सुनकर राक्षस की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और ब्याह की चाह में वह सब कुछ भूलकर प्रिया की गोद में सर रखकर गहरी नींद सो गया। यह गहरी नींद सो चुका है, यही मौका है इसे मौत के घाट उतारने का। अगले ही पल वीर कुमार ने कबूतरी का अंडा उसके सर पर मारकर फोड़ दिया। फटाक! अंडे के फूटते ही राक्षस ने भयानक चीत्कार करते हुए उठना चाहा। आई! लेकिन वह उठकर खड़ा नहीं हो पाया और किसी कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिरकर मर गया। आखिर यह दुष्ट अपने किए की सजा पा ही गया। आओ बहन, अब यहाँ से चले। चलो भैया, मैं भी माँ को देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। गुफा से बाहर निकलकर वीर कुमार ने प्रिया का हाथ पकड़ा और जूतों की मदद से आकाश में उड़ चला। मार्ग में वह अपनी दोनों बहनों और जीजाओं से मिला, जो राक्षस के मरने के साथ ही अपने असली रूपों में आ गए थे और बहुत प्रसन्न थे। मेरी प्यारी बहनों और जीजाओं, मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप लोग भी हमारे साथ कुछ समय के लिए हमारे घर चलें। हमें कोई ऐतराज नहीं वीर कुमार। जब वीर कुमार उन सबको लेकर घर पहुंचा, माँ, मेरे बच्चों! शीघ्र ही वीर कुमार ने अपने दोनों जीजाओं की मदद से छोटी बहन प्रिया का विवाह भी एक अच्छे घराने में कर दिया। उसके बाद दोनों बहन बहनोई कुछ दिन वीर कुमार के घर में आनंद पूर्वक गुजारने के बाद अपने अपने किले में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने खूब सारा धन वीर कुमार को दिया था, जिसे वीर कुमार ने व्यापार में लगा दिया और दिन दूनी व रात चौगुनी उन्नति करता हुआ अपनी माँ के साथ आराम से जिंदगी बसर करने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।